भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं उनके परिजन भी शोक में डूबे हैं। अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनके परिजन और रिश्तेदार रहते हैं। गांव में उनके भतीजे का परिवार रहता है और यहां भी वैसी ही तस्वीरें नजर आईं। वाजपेयी का ये गांव यूपी के बीहड़ में स्थित है और यहां भी रिश्तेदारों ने शोक जताया। अटल जी के बारे में भाई एक देश का महान व्यक्ति चला गया और हमें उन पर गर्व था वाजपेयी होने कुटुंब के। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि शफी ने इतना किया, मुलायम ने वो किया, ये किया ना, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए, तो वो यहाँ पर रहे नहीं ज़्यादा। अब देखो हम यहाँ पर 15-16 वर्ष तक लगातार रहे हैं ना, तो हमारा यहाँ लगाव है, अच्छा लगता है, बाहर नहीं रहे, लेकिन उनको रही नहीं यहाँ पर, अटल वो नहीं उनको यहाँ। अटल जी लास्ट बार आपसे मिले थे? हाँ, कुछ बात हुई थी आपकी? बातचीत नहीं हुई मुझे, हम उनको सुनने के लिए जब थे रतलाम में थे तो गए थे हम जावराज। अटल जी का बटेश्वर में करीब 20 कमरों का आवास था जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है, अब शेष ही बचे हैं। रिश्तेदारों का अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में कहना है कि वो पूरे देश को ही अपना गांव और घर मानते थे। यही वजह थी कि अटल जी ने पीएम रहते हुए सिर्फ अपने गांव पर खास ध्यान न देते हुए पूरे देश के समग्र विकास की ओर ध्यान दिया। ये तो सर एक बहुत दुखद घटना है, आज हमने एक बहुत बड़ी अपनी विरासत धरोहर खो दी है। बाबूलाल चौधरी ने यहाँ गोद लिया था, क्या विकास हुआ इस? नहीं सर, कोई विकास नहीं। माननीय सांसद जी ने जो ये गांव गोद लिया था अपने सांसद निधि से, उसके तहत यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं दिखता। अटल जी के जाने का दुख सभी को है, लेकिन साथ ही उनका ये पैतृक गांव विकास की बाट जो रहा है ये भी कम दुखद नहीं है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बटेश्वर, यूपी।